अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हसीब हेल्पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल उम्मीद का न्यू प्रमोशन शुरू कर दिया गया है, तो वीडियो को लाइक दोस्तों शुरू और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल उम्मीद के आने वाले एक साथ में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन रमीज़ के पास शैला बैठी होती है और नाजरीन शैला रमीज़ को कहती है कि सर ये आपने नौकरी मुझे खुद दी है, जिसके बाद नाजरीन ये वो कहता है रमीज़ नहीं तुमने अपने टैलेंट से ली है, तुमने अपने दम पर ली है। इसके बाद नाजरीन और रमीज़ कहता है कि मेरा एक काम करो, हमारे आने वाले हैं कुछ गेस्ट और तुम ऐसा करो कि उन्हें इंटरटेन करो। जिसके बाद नाजरीन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या करूं। जिसके बाद नाजरीन रमीज़ कहता है कि आई मीन मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि तुम उन्हें यहाँ पे घुमाओ फिराओ, उन्हें सैर करवाओ। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर शैला बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, यहाँ पर रमीज़ की बातें सुन के परेशान हो जाती है। और नाजरीन दूसरी जनाब आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर जमाल का बड़ा भाई, उसे पता चल जाता है कि जमाल है जेल में। जिसके बाद नाजरीन वो आकर अपनी बीवी को कहता है कि वो साहबजादा वहाँ पर जेल में है। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पे उस जमाल की भाभी अपने शोहर से कहती है तो क्या वो तुमसे मदद मांग रहा था। जिसके बाद नाजरीन वो कहता है हाँ मांग रहा था। जिसके बाद नाजरीन वो कहती है कि अच्छा तो फिर क्या करना है और उसके बारे में कुछ सोचा है। जिसके बाद नाजरीन वो कहता है कि उसे सड़ने दो जेल में, उसे वहीं पे रहने दो कुछ दिन। जिसके बाद नाजरीन दूसरी जनाब आप लोग ये देखने वाले हो कि नाजरीन रमीज़ की माँ यहाँ पर रमीज़ को पास बिठाकर बैठी होती है और कहती है कि रमीज़ बेटा जब तुम्हारी अपनी औलाद हो जाएगी तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे। जिसके बाद नाजरीन रमीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो नाजरीन वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कीमती का जहर कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।